अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम लोग बना रहे हैं बीफ बिरयानी। उसके लिए हमने 1 किलो बीफ लिए है, 1/2 kg हमने प्याज लिए हैं, 4 हम बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिए है। तो सबसे पहले हम चावल बॉयल करेंगे। 1 किलो सेला चावल है, उनको हमने 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब हम उनको बॉयल करेंगे। सबसे पहले पानी हमारा बॉयल हो गया है, खुले बर्तन में पानी बॉयल कर लें। उनमें 2 से 3 तेज़पात डालेंगे, 1 बादियान का फूल, 2 स्टिक दालचीनी की, थोड़ी सी जावित्री और लौंग, 1 टेबलस्पून हम नमक डालेंगे इसमें, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से हमारे चावल जो हैं वो टूटते नहीं हैं। हम अपने चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छा जी, यहाँ हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं, सारे हमने इसमें चीज़ें डाल दी थी, और यहाँ हम बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पैन में हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1/2 कप हमारा ऑयल है। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा और जाएगा, ये 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बेसिक और बहुत सिंपल। ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा कैसे बनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी हम इसमें प्याज डालते हैं। एक हम मीडियम साइज प्याज डालेंगे, इसको हम डार्क ब्राउन करेंगे। अच्छा जी, प्याज हमारे बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। और इसमें हम और प्याज डालेंगे, वो हमने निकाल लिए थे, वो जब हम बिरयानी की तह लगाएंगे तो उस टाइम हम यूज़ करेंगे। तो ये हमने 3 मीडियम साइज प्याज चॉप करके डाले हैं मसाला बनाने के लिए। लाइट ब्राउन करेंगे। ये सेकंड स्टेप जो हमारा प्याज का था, ये भी ब्राउन हो चुके हैं, और साथ साथ हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं, इनको हमने स्ट्रेन करने के लिए रख दिया है। प्याज में हम अपने मसाले ऐड करेंगे। उसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी है, हसबे ज़रूरत नमक है, और 1/2 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च है, और 3 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला है जो हमारे घर का है, आप चाहें तो पैकेट का भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार टमाटर का हमने पेस्ट बना दिया था, वो डालेंगे। बहुत खुशबू आ रही है मसाला डालने से। अब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च बारीक चॉप, 3 हरी मिर्च थी वो हमने डाल रहे हैं इसमें। 2 टेबलस्पून इसमें आलू बुखारा जाएगा। एक कप इसमें दही जाएगा। मसाला हमारा तैयार हो रहा है। हमने 1/2 कप चावल लिए हैं जो हमने चावल बॉयल किए थे, उसमें हम ये 2 पिंच जर्दा कलर डालेंगे। इसको ड्राई इसमें मिक्स करेंगे, जर्दा कलर में पानी नहीं डालना। कुछ लोग पानी घोल के चावलों के ऊपर डालते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही येलो हो जाते हैं पूरे चावल। इसमें 2 कलर आएंगे, वाइट और इस तरह येलो कलर, ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें 4 हम आलू डालेंगे मीडियम साइज, बड़े बड़े टुकड़ों में हमने काट लिए हैं। 1 किलो गोश्त हमने पहले ही पानी में बॉईल कर लिया था, आलू अच्छी तरह भून के फिर इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। दोस्तों, आलू को हमने मसाले के साथ बहुत अच्छा भून लिया है, अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त को हमने पहले बॉईल करके रखा हुआ था, इसमें जिस पानी में हमने चावल बॉयल किए थे वो पानी, 1 कप हम उसमें पानी चावल हमारा डाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये दोस्तों, मसाला हमारा बहुत अच्छा भुन रहा है,
इसको हम 2-3 मिनट और भुनेंगे, फिर हम अपनी बिरयानी में चावल ऐड करेंगे और दम के लगाएंगे। जी दोस्तों, मसाला हमारा बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। हाफ को हम निकाल लेंगे बिरयानी की तह लगाने के लिए और हाफ हम अपने पतीले में ही छोड़ेंगे। जी दोस्तों, अब हम बिरयानी के लेयरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले वो मसाला हमने हाफ बचा लिया था, उसके ऊपर हम चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हाफ चावल हम डाल लेंगे। फ्लेम हम बिल्कुल हल्का कर चुके हैं इसका, क्योंकि अब ये दम पे लगाना है हमने। तो हाफ चावलों की हमने लेयर लगा ली है, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा हम लेमन के इसमें रखेंगे पीस, जो हम इसमें बारीक काट लिया था लेमन को, जो हमने प्याज ब्राउन किया था वो उसकी हम एक लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। टमाटर के पीस रखेंगे। ये दोस्तों, ऊपर हम अपना मसाला दोबारा डालेंगे जो हमने निकाला था इसमें। हमने मसाला निकाला था इसमें, वो ऐड करेंगे। अब चावल की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर हम। बिस्मिल्लाह। जी दोस्तों, चावल हमने सब डाल दिए, अब इसके ऊपर हम हरा धनिया डालेंगे। ये इसकी फाइनल लेयरिंग है। हरा धनिया पुदीना एक साइड पे हम डाल लेंगे। ब्राउन प्याज हम डाल लेंगे। वाले चावल रखे थे एक साइड पे, वो ऐड करेंगे इसमें। पानी में हमने गोश्त बॉयल किया था, वो हमारे पास थोड़ी सी यखनी रखी हुई है, थोड़ी सी हम इसके ऊपर ये यखनी ऐड कर लेंगे। चावलों में अच्छा से मसाला जाएगा और दम पे चावल बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाफ कप से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हमने यखनी ऐड की है। जी दोस्तों, इसको हम साइड पे कर लेंगे। तवे को हमने गरम करके रखा हुआ था, उसके ऊपर हम अपनी पतीली रखेंगे और इसको दम पे लगा देंगे। 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे। ऊपर हम ये वेट रख लेंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट बाद। जी दोस्तों, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमने बिरयानी को दम पे लगाया था बिल्कुल लो फ्लेम पे, कर दिया। अब चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू तो बड़ी मज़े की आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त बिरयानी हमारी बहुत अच्छी तैयार हुई है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम। हमारी बहुत अच्छी तैयार हुई है, बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब, ताकि मसाला, वाइट चावल, कलर चावल सब अच्छे से मिक्स हो जाएं, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। जी जनाब, हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है और वाह, क्या मज़े की बिरयानी बनी है। बहुत टेस्टी है, ज़रूर बनाइएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस, बहुत मज़े की बनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। कमेंट से बताइएगा कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।